पाठ का शीर्षक है मिर्च का मजा। बच्चों सबसे पहले सुनो ये कविता पाठ। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा, ज्यों त्यों कुछ समझाकर, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तोल छीमिया फकत चार आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन बेचारी बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आंख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूं आदमी न ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूं पैसा। बच्चों अब ये कविता पाठ प्रस्तुत है एक बच्चे की आवाज में, जिसके साथ कुछ बच्चे इस पाठ को दोहराते हैं। आप भी उन बच्चों के साथ इस पाठ को दोहरा सकते हैं। तो सुनो ये कविता पाठ। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा, ज्यों त्यों कुछ समझाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा, ज्यों त्यों कुछ समझाकर, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तोल छीमिया फकत चार आने की, तो हमको दो तोल छीमिया फकत चार आने की। हाँ ये तो सब खाते हैं, कुंजड़िन बेचारी बोली, हाँ ये तो सब खाते हैं, कुंजड़िन बेचारी बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके, लगा चबाने मिर्च
बैठकर नदी किनारे जाके मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े। खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आँख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही। बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा। जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। और अब अंत में सुनो ये कविता संगीत के साथ। क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा। यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैला कर कुंजड़िन से बोला बेचारा जो त्यों कुछ समझा कर। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की तो हमको दो तोल छीमिया फकत चार आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं कुंजड़िन बेचारी बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही। बोला बेवकूफ क्या खाकर यो कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। मिर्च का मजा।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, काव्य रचना रामधारी सिंह दिनकर, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर संजय भटनागर, अनुजा बिसारिया और बच्ची, वाचन स्वर राजश्री त्रिवेदी, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।